बैक टू आवर चैनल। तो आयरन मैन का हेलमेट बनाने के लिए हमें इस टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। ये टेम्पलेट आपको गूगल या मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेम्पलेट को एक साइड से काटने के बाद एक फ्रेम में जोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद एडिट पीस को हम फिनिशिंग से काट लेंगे कुछ इस तरीके से। सारे पीसेस को लोहे की शीट पर रख के काट लेंगे उसे भी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए गाइस। इस तरीके से सारे पीसेस को काट लेंगे। उसके बाद एक एक चीज को मशीन के साथ काट लेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत मेहनत लगी है गाइस, एक लाइक करिए प्लीज। बाद में सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से सिर्फ मशीन देख दीजिए। सारे पार्ट्स को इसी तरीके से काट लेंगे। ये फोरहेड का पार्ट है। मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। ये पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं गाइस। सभी पार्ट को काटने के बाद एक साथ जोड़ेंगे और बन जाएगा आयरन मैन का हेलमेट। इस पार्ट को शोल्डरिंग करके चिपकाएंगे गाइस। सारे पार्ट को इसी तरीके से चुप करेंगे। ये फ्रंट स्पेस का पार्ट है। इसे पहले टेप से चिपका दिया गया था, बाद में अंदर से और ग्लू गन लगाया। बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिख रहा है गाइस। आपको कौन सा एवेंजर्स पसंद है कमेंट करके बता सकते हैं गाइस मुझे। मुझे तो आयरन मैन बहुत पसंद है। तो अभी इसे और ग्लू गन से चिपकाने के बाद करके टेप ऑन करेंगे। ये फेस पार्ट रेडी हो चुका है। ये चिन का पार्ट है, इसे भी हम हॉट ग्लू गन से चिपकाएंगे। ऊपर के पार्ट को भी कुछ इस तरीके से चिपका लेंगे सावधानी से। अब पार्ट रेडी हो चुका है गाइस।
दिखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। ये पीछे के पार्ट को भी हॉट ग्लू गन से चेक करेंगे। चिपकाने के बाद ऊपर के टेप को हटा देंगे। बाकी पार्ट को भी इस तरीके से चिपका लेंगे। फाइनली सारे पार्ट को चिपकाने के बाद रेडी हो चुका है हमारा हेलमेट। कमेंट में कैसा लगा ये बताइए। इसके नेक्स्ट पार्ट में पेंट करके बताएंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।